वेलकम बैक टू द वीडियो। और एंड्रॉइड में खासकर ये दिक्कत आ रही है कि हमें व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अपने मोबाइल पे। ओके, यहाँ से पहले मैं ऑन कर लेता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दोनों जगह आपको मेरी मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी, एक एंड्रॉइड वाली दिख रही होगी एंड इसी के साथ साथ एक आईफोन भी है। आईफोन पे तो रहने दो, आईफोन पे तो ये वैसे दिक्कत आ नहीं रही है, बट मैं इस पर्टिकुलर मोबाइल से एंड्रॉइड पे कुछ मैसेज भेजता हूँ, इसी को भेज लेता हूँ अपने दूसरे नंबर पे। यहाँ पे देखो मैसेज देखते रहना, ओके, जो भी मैं भेज रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। नो नोटिफिकेशन, ये देखो मैंने नीचे करके भी दिखा दी स्क्रीन, लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अब क्या दिक्कत है, कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा। सिंपल सा प्रोसेस है, छोटी सी वीडियो होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है बिना स्किप किए। करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो पसंद आए वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी कर दो सब्सक्राइब। अब बात कर लेते हैं कि आप व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को कैसे रीसेट, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि सबके नोटिफिकेशन आपको आते रहे। और उसके लिए लेके चलता हूँ वापस से आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अगेन आपको मेरी मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही है, हम लोग व्हाट्सएप पे ही चल लेते हैं। एंड जो मैंने मैसेज किए थे, देखो यहाँ पे मैसेज आ रखे हैं राइट, लेकिन नोटिफिकेशन कोई नहीं आया था। इसका तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि आपके सिर्फ एक अकाउंट से नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, बाकी सबके नोटिफिकेशन आ रहे, तो आपका वो अकाउंट यानी कि आपका वो जो यूजर है जिसके नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, वो आपसे गलती से म्यूट हो गया है। ओके, तो उसको आप अनम्यूट कर लो। अनम्यूट करने के लिए क्या करना है, पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर टैप करना है जिस पे अकाउंट पे नहीं आ रहे हैं। यहाँ से आपको ये अनम्यूट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसको अनम्यूट कर देना है राइट। ये तो हो गया एक पर्टिकुलर अकाउंट के लिए। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहे हैं, मतलब मैं कुछ भी करूं, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना है, आपको यहां से राइट टॉप कॉर्नर पे थ्री डॉट दिखेंगे, आपको इस पे टैप करना है एंड इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सबसे लास्ट में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे आप सेटिंग्स पे आओगे यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा है नोटिफिकेशंस का। यस, कभी कभी कोई बग आ जाता है एंड उसकी वजह से नोटिफिकेशंस जो है वो रीसेट हो जाते हैं। ओके, तो हमें नोटिफिकेशन को वैसे रीसेट ही करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत तरह के नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन को करना है रीसेट। ओके, राइट टॉप कॉर्नर पे अगेन थ्री डॉट दिखेंगे, आपको इस पर टैप करना है, यहाँ से रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग, यानी कि जो नोटिफिकेशन सेटिंग है वो वैसी हो जाएगी जैसे व्हाट्सएप में आती थी इनिशियली। मतलब व्हाट्सएप जब हम डाउनलोड करेंगे तो जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वही वापस से हो जाएगी। तो आपको रीसेट नोटिफिकेशन पे ओके कर देना है एंड अब आपके जो नोटिफिकेशन है वो रीसेट हो चुके हैं। एंड इसी के साथ साथ जैसे मेरे मोबाइल में तो ये अभी हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा ये जो मोबाइल है अपडेटेड नहीं है, आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा वाइब्रेट के नीचे राइट। तो पॉपअप नोटिफिकेशन को ऑलवेज ऑन करना है आपको। यहाँ पे मेरा चल नहीं रहा है लेकिन मुझे कोई दिक्कत आ नहीं रही है वैसे, तो आपको ऑलवेज ऑन करके रखना है। तो पॉपअप नोटिफिकेशन पे टैप करके एंड यहाँ से और डिफरेंट डिफरेंट आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगे कौन से रिंगटोन, और ये जो हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन है इसको हमेशा ऑन रखना है, बाकी इसको ऑन रखना है आपको। एंड अब इसके बाद आपको एक काम और करना है ताकि आपकी सारी दिक्कत दूर हो जाए, तो आप यहाँ से इसे करो मिनिमाइज। आपको जाना है अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में एंड यहाँ पे आपको ढूंढनी है एप्स, एप्स मैनेजर या एप्स मैनेजमेंट सबके मोबाइल में होता है जितने भी एंड्रॉइड यूजर है। तो आपको एप्स मैनेजमेंट पे जाना है, एप्स एंड एप्स मैनेजमेंट, एंड यहाँ पे आपको ढूंढना है व्हाट्सएप को। ओके, तो हम लोग व्हाट्सएप ढूंढ लेते हैं, व्हाट्सएप, ओके हियर इट इज, ये रहा। एंड व्हाट्सएप पे आपको जैसे ही सेटिंग्स में आ जाओगे आप लोग, यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखेंगी, पहला दिखेगा मैनेज नोटिफिकेशन, दूसरा दिखेगा परमिशन एंड तीसरा दिखेगा, मतलब दिख तो मल्टीपल चीजें रही, तो मेन चीजों पे आपको फोकस करना है। पहले तो आपको करना है नोटिफिकेशंस पे। ओके, आप नोटिफिकेशन पे टैप करोगे एंड अगर आपका ये अलाउ नोटिफिकेशन ऑफ होगा तो मतलब व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आपने अलाउ ही नहीं कर रखे अपने मोबाइल को कि भाई व्हाट्सएप आपको नोटिफाई करे किसी का मैसेज आया किसी का नहीं आया। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको ये ऑन होना चाहिए पहली चीज। एंड नीचे भी चेक कर लो कि आपने क्या क्या नोटिफिकेशन ऑन कर रखी है। ओके, चैट बैकअप हिस्ट्री के नोटिफिकेशन, मतलब ये सारे नोटिफिकेशन ऑन होने चाहिए। इसी के साथ साथ जो मैसेज नोटिफिकेशन है, अगर इसे ऑफ कर दोगे तो ये नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन बार पे जैसे हम ड्रैग डाउन करते हैं नीचे ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, तो ये भी आपके ऑन होने चाहिए। इसी के साथ साथ ग्रुप नोटिफिकेशन को आप रखना चाहते हो तो वेल एंड गुड, वरना देख लो, बाकी रख ले क्योंकि व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, ये हाइड नोटिफिकेशन डिटेल और लॉक स्क्रीन, इसको ऑफ रखना, वरना लॉक जब रहेगा फोन तो वहां पे नोटिफिकेशन नहीं दिखेंगे। ओके, अगर आप चाहते हो कि यार मेरा फोन कहीं लॉक पड़ा है एंड कोई आके ना देख ले नोटिफिकेशन, तो आप इसको ऑफ कर दो।
ओके, तो यहाँ से ये सारे नोटिफिकेशन आपको चेक कर लेना। और इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, यहाँ पे आपको जाना है स्टोरेज यूजेस पे। ओके, स्टोरेज यूजेस पे आप जाओगे तो यहाँ पे जो कैशे हैं उन्हें क्लियर कर देना। आपको कभी कभी कैशे की वजह से भी दिक्कत आ जाती है। ओके, तो यहाँ से आप जाओ क्लियर कैशे, बग जो भी होगा क्लियर हो जाएगा, डेटा वेटा क्लियर आपको नहीं करना है। एंड अब आप अपनी जो व्हाट्सएप है उसे वापस से ऑन करो। एंड यहाँ पे अब मैं कोई मैसेज भेज के देख लेता हूँ उस मोबाइल पे, एंड यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। सी आ गया ऊपर से नोटिफिकेशन। ओके, एंड इस तरह आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो ऐसे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस को आप रीसेट फिक्स कर सकते हैं। एंड ये वीडियो आपके काम की है, आपको लगा है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उससे फिक्स हो गई है, तो वीडियो पे कमेंट करके यस लिख देना, अगर नहीं हुई है तो नो लिख देना। मैं वापस से एक और अच्छी सी वीडियो बना दूंगा और ज्यादा चीजें डिटेल में बता के आपको। एंड उसी के साथ साथ वीडियो तो पसंद आई होगी, इफ यस तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं कह दो। थैंक यू सो मच।